तो दोस्तों आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ एक पेन सीसीटीवी कैमरा का। जी हाँ, ये देखने में एक पेन है लेकिन एक्चुअली में ये एक वीडियो कैमरा है। इससे आप वीडियो भी कर सकते हैं, फोटो भी ले सकते हैं और ऑडियो भी रिकॉर्ड होता है। तो इसको आप अपने पर्सनल सेफ्टी के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब इस कैमरा को आप यहाँ पे ऐसे पहन सकते हैं पॉकेट में और ये कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग करता रहेगा। आप जहाँ भी जाएंगे तो पर्सनल सेफ्टी के लिए ये पर्सनल सीसीटीवी का काम करेगा। उसके अलावा ये एक स्पाई कैमरा है और इसके मदद से अगर आपको किसी के खिलाफ सबूत करना है तो ये काम आ सकता है, लेकिन सिर्फ इसको अच्छे इरादे के लिए ही यूज कीजिए। तो इस टाइप का पेन कैमरा आजकल अमेज़न पे बहुत ही अवेलेबल है। तो अभी आप बोलेंगे उसके लिए इस वीडियो को देखने का क्या जरूरत, आप अमेज़न पे जाके कोई सा भी पेन कैमरा खरीद सकते हैं। लेकिन ऐसा गलती मत कीजिए, क्योंकि जी हाँ, आपको अमेज़न पे इस टाइप का बहुत सारे पेन कैमराज मिल जाएंगे, लेकिन उसका जो वीडियो क्वालिटी है, वीडियो रिकॉर्डिंग क्वालिटी है कैसा है आपको कैसे पता चलेगा। लेकिन अगर आप मेरा ये वाला वीडियो देखेंगे तो आपको इस कैमरा का वीडियो क्वालिटी मैं आपको दिखाऊंगा, और उसके बाद अगर आपको इसका वीडियो क्वालिटी अच्छा लगता है, इसका ऑडियो क्वालिटी अच्छा लगता है, तब इसको खरीद सकते हैं। इसको खरीदने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। इसका प्राइस है 1099 से लेके 1499 तक, लेकिन अमेज़न पे 599 699 का भी इस टाइप का पेन कैमरा मिलता है। लेकिन उनका वीडियो क्वालिटी कैसा है मुझे नहीं पता। वहां पे लिखा रहेगा HD है, लेकिन उसको खरीदने के बाद ही पता चलेगा उसका वीडियो क्वालिटी कैसा है। लेकिन मैंने ये वाला जो पेन कैमरा है इसको मैंने टेस्ट किया है, तो इस वीडियो में मैं इस पेन कैमरा का वीडियो और ऑडियो क्वालिटी आपको मैं दिखाऊंगा और सुनाऊंगा, और इसको कैसे यूज किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अभी देखते हैं इसका बॉक्स पैकेजिंग। तो ये वाला हो गया पेन कैमरा का बॉक्स। ऊपर में लिखा है HD हाई डेफिनेशन डिजिटल वीडियो कैमकॉर्डर, मतलब ये कैमकॉर्डर है, पेन भी है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है रियल हाई फ्रेम रेट, मैंने चेक किया था, सच में इसका फ्रेम रेट 30 FPS का है। उसके बाद यहाँ पे भी लिखा है HD कैमकॉर्डर। उसके बाद पीछे कुछ फीचर्स है और कुछ नहीं है। तो चलिए अभी करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। तो ये देखिए, ये वाला हो गया पेन कैमरा। इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है और देखने में भी बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है। मतलब एक नज़र पे ही आपको ये वाला पेन कैमरा पसंद आएगा। तो यहाँ पे देखिए सामने, ये वाला हो गया इसका कैमरा। उसके बाद ये वाला ऑपरेटिंग बटन, इससे ही ये ऑन होता है और इससे ही आप वीडियो रिकॉर्ड और फोटो ले सकते हैं। उसके बाद सामने एक्चुअली में ये पेन है, इसको घुमाने से देखिए इसका जो रिफिल है वो आ जाता है, तो इससे आप लिख भी पाएंगे और ऐसा ये बंद हो जाता है। उसके बाद पीछे इंडिकेटर लाइट है, इससे आपको पता चलेगा ये रिकॉर्डिंग कर रहा है कि नहीं। तो ये हो गया पेन कैमरा। उसके बाद देखते हैं और क्या है। तो उसके बाद ये हो गया इसका चार्जिंग केबल, ये दोनों साइड में USB है, इसका ज़रूरत पड़ेगा चार्जिंग करने के लिए। तो ये देखिए, उसके बाद ये वाला हो गया यूजर मैनुअल, इसको पढ़ के आप इस पेन कैमरा को यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाने ही वाला हूँ। तो ये वाला जो पेन कैमरा है इसके अंदर देखिए, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, इसको ऐसे घुमाने से ये खुल जाता है। तो ये देखिए, ये वाला हो गया इसका USB, इसको चार्ज करने के लिए और डाटा ट्रांसफर करने के लिए। उसके बाद पीछे यहाँ पे आपको एक मेमोरी कार्ड डालना होगा, तो चलिए यहाँ पे मैं एक मेमोरी कार्ड डाल देता हूँ। ये वाला हो गया 32 GB का एक मेमोरी कार्ड, तो उसी में ही वीडियो रिकॉर्डिंग होता रहेगा। उसके बाद इसको चार्ज करने के लिए साथ में जो डाटा केबल मिला था उसको यहाँ पे ऐसे लगाना पड़ेगा, ये लग गया है। उसके बाद इसका जो दूसरा हिस्सा है, इसको आप किसी मोबाइल चार्जर पे ऐसे लगा के इसको आप चार्ज कर पाएंगे। उसके अलावा आप इसको डायरेक्टली भी लैपटॉप या डेस्कटॉप में ऐसे USB पॉइंट पे लगा के या फिर पावर बैंक पे लगा के भी आप इसको चार्ज कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अंदर पे एक स्विच है, इसको लेफ्ट में रखने से ये वीडियो रिकॉर्डिंग करता है और राइट पे रखने से ये फोटो और ऑडियो रिकॉर्डिंग करता है। लेकिन जो कि मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए, तो अभी ये लेफ्ट में है, मतलब 2 नंबर पोजिशन पे है। तो चलिए अभी इसको बंद कर देते हैं, और इसको मैंने ऑलरेडी चार्ज करके रखा है, तो ये हो गया बंद। तो चलिए अभी इसको मैं यूज करके आपको दिखा देता हूँ। तो इसको यूज करने के लिए ये वाला जो बटन है, इसको लॉन्ग प्रेस करना होगा। इसको लॉन्ग प्रेस करने से ये ऑन हो जाएगा और यहाँ पे एक लाइट जलेगा। तो देखिए यहाँ पे एक लाइट जल रहा है, मतलब अभी ये ऑन है लेकिन रिकॉर्डिंग चालू नहीं है। तो रिकॉर्डिंग को ऑन करने के लिए आपको ये जो बटन है इसको एक बार प्रेस करना होगा, तब ये जो लाइट है 2 बार ब्लिंक करेगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा, मतलब अभी ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। और जो लेंस है ये वाला है, इसी लेंस से ही ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो देखिए कितना छोटा सा लेंस है, किसी को पता भी नहीं चलेगा ये एक कैमरा है। तो अभी वीडियो रिकॉर्डिंग को ऑफ करने के लिए ऊपर का जो बटन है उसको दोबारा प्रेस करना है, तब जो लाइट है दोबारा ऑन हो जाएगा, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया है और मेमोरी कार्ड में सेव हो गया है। उसके बाद इसको ऑफ करने के लिए इसको लॉन्ग प्रेस करना है और ये ऑफ हो जाएगा। उसके बाद इसको खोल के इसका जो मेमोरी कार्ड है आप निकाल के कार्ड रीडर पे लगा के आप इसका वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर इस मेमोरी कार्ड को यहाँ पे रहने दीजिए। उसके बाद डायरेक्टली आप इसको लैपटॉप के USB पॉइंट पे लगा के भी इसके वीडियोस को देख पाएंगे। तो अभी आपने इस पेन कैमरा के बारे में सब कुछ जान लिया है, तो चलिए अभी आपको मैं दिखाता हूँ इसका वीडियो क्वालिटी कैसा है। तो ये देखिए, ये हो गया इस कैमरा का वीडियो क्वालिटी, और ऑडियो भी इसी कैमरा से ही रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो इसका जो वीडियो क्वालिटी है HD क्वालिटी का बोला है, तो देखेंगे कैसा आता है।
कलर वगैरह देख लीजिए कैसा आ रहा है। तो मतलब अभी पेन कैमरा से रिकॉर्डिंग हो रहा है और ये बहुत ही छोटा कैमरा है, स्पाई कैमरा है। तो देख लीजिए ऐसा आता है इंडोर पे। तो ये वाला हो गया आउटडोर का वीडियो सैंपल। मैंने चेक किया था, इसका वीडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छा आता है और इसका जो ऑडियो क्वालिटी है वो भी ठीक है। तो देख लीजिए आउटडोर में कैसा आता है। तो अभी मैं धूप में खड़ा हूँ, देख लीजिए कैसा आ रहा है। तो अभी आपने इस पेन कैमरा का वीडियो क्वालिटी देख लिया और ऑडियो क्वालिटी भी सुन लिया, तो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो इसको आप खरीद सकते हैं। इसको खरीदने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप मेरा राय जानना चाहते हैं तो मैं बोलूंगा ये जो पेन कैमरा है ये एक अच्छा पेन कैमरा है, क्योंकि ये फुल HD में वीडियो रिकॉर्ड करता है और जो फ्रेम रेट है वो है 30 FPS और बिट रेट भी बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है इतना वाइड एंगल नहीं है, मतलब अगर आप इसको हाथ में पकड़ के ऐसे वीडियो करेंगे तो इतना सा कवर होता है। लेकिन ये ब्लॉगिंग के लिए तो नहीं बना है, इसको पॉकेट में ऐसे रखने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ से ये एक बहुत ही बड़ा एरिया कवर कर सकता है। तो इस पेन कैमरा का वीडियो क्वालिटी मुझे पसंद आया, लेकिन इसमें नाइट विजन नहीं है, मतलब ये रात को वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता है। उसके अलावा इसमें इमेज स्टेबिलाईजेशन भी नहीं है, मतलब इसको पहन के जब आप चलेंगे तब वीडियो थोड़ा सा शेकी होगा। तो ये जो पेन कैमरा है मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, इसको आप पर्सनल सेफ्टी के लिए एज ए पर्सनल CCTV कैमरा यूज कर सकते हैं, या फिर बुरे लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए, या फिर क्लासरूम पे टीचर का टीचिंग को रिकॉर्ड करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं और घर आके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वाला पेन कैमरा लेना है तो इसको खरीदने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो ये था मेरा इस पेन कैमरा का ऑनेस्ट रिव्यू। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस तरह के ऑनेस्ट रिव्यूज देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्दी से मिलते हैं एक दूसरे ऑनेस्ट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।